राधे राधे दोस्तों, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में आपका स्वागत करेंगे। आज हम बात करेंगे कवच क्या होता है, कवच किसे कहते हैं और कवच कितने प्रकार के होते हैं। मुझे एक कमेंट आया था, नाम तो मुझे नहीं मालूम है, बट उसमें मुझे कमेंट में पूछा था कवच क्या होता है, तो इसलिए मैंने कमेंट में जवाब ना देके ये वीडियो स्पेशल बनाई है ताकि औरों को भी पता चल सके कवच क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो जो मेरे चैनल पे मेरे न्यू व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, न्यू विजिट ले रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी जानकारी हो स्पिरिचुअल से रिलेटेड वो आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य के भागी बने। तो अब हम बात कर लेते हैं कवच के बारे में, कवच क्या होता है। देखिए, कवच कितने 7 प्रकार के होते हैं और कवच का अर्थ क्या होता है। कवच क्या है? तंत्र शास्त्र का एक अंग जिसमें भिन्न भिन्न मंत्रों द्वारा अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है, इसे कवच कहते हैं। जो आपकी रक्षा करता है वह आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है, आपके चारों ओर एक ऑरा के रूप में हर क्षण आपकी रक्षा करता है, इसे कवच कहते हैं। देखिए, कवच के 7 प्रकार हैं, जो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा कवच क्या होता है, 7 प्रकार हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहला कवच क्या होता है, जिसे पहनकर राजा युद्ध में लड़ाई करता था तो उसे घाव नहीं लगता था, ठीक है, पहला कवच। दूसरा कवच क्या होता है, जो तावीज़ के रूप में प्रयोग किया जाता है, लोग तावीज़ के रूप में इसे अपने गले में धारण करते हैं। तीसरा प्रकार का कवच क्या होता है, ये भाग्यवर्धक के रूप में होता है, ठीक है। चौथा प्रकार का कवच क्या होता है, ये इष्ट गुरु या शिव की कृपा से प्राप्त होता है। पांचवा प्रकार का कवच क्या होता है, जो साधु संतों के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। छठा प्रकार का कवच क्या होता है, मंत्रों और अनुष्ठान के द्वारा जो प्राप्त होता है। सातवां प्रकार का कवच क्या होता है, जो पाठ करके प्राप्त किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ काली कवच, दुर्गा कवच, शिव कवच, जो पाठ के माध्यम से आपको प्राप्त होता है, ठीक है, वो कवच होता है, ठीक है, जिसमें आपकी रक्षा की जाती है, ठीक है, आपके परिवार की रक्षा होती है, उसे कवच कहते हैं। ये सब कवच के 7 प्रकार हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं कवच के 7 प्रकार हैं और ये अलग अलग उसमें प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी कवच है सब में रक्षा का कार्य किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कवच क्या होता है और इसके प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो कमेंट के माध्यम से मुझे किसी ने पूछी थी, मैंने सीधा जवाब ना देके इसे एक वीडियो बना दी ताकि औरों तक भी ये बात पहुँचे। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो शेयर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।